नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से अपने बगीचे में हूँ। इस टाइम पे रात होने वाली है, 5:30 से ऊपर टाइम हो चुका है और आज मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैं कहीं गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ये आज मैं आपको थोड़ा सा ये नस्टेशियन के बारे में बताऊँगी, एक छोटी सी वीडियो मैं इसके बनाना चाहती हूँ। ये देखिए मेरे इसमें फूल आ गए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये फ्री का ही पौधा होता है, यहाँ पर जहाँ पे भी इसके बीज गिर जाते हैं। और अभी जैसे ये पौधा लग गया है तो इसके बीज, जैसे फूल के बीज इसमें से निकलेंगे, इसमें सीड्स नहीं बनेंगे, तो वो कहीं भी गिर जाते हैं और हमको नया पौधा इसका तैयार हो जाता है। तो ये मेरी नेस्टेशियन का मेरा ये पहला फूल निकला है और इसके साथ ये दूसरी एक कली और बन गई है, ये देखिए। तो जब फूल खिलते हैं इसके तो बहुत ही खुशी होती है। और ये पूरे एकदम पूरे में जब ये येल्लो और ऑरेंज कलर में जब फूल निकलते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। पूरा पौधा ना एकदम फूलों से भर जाता है। ये देखिए कितने सारे इसमें निकले हुए, और मैंने यहाँ पर एक नहीं कई भी मेरे नेस्टेशन के मेरे पौधे लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए फूल तो इसी में ही निकलना शुरू हुए हैं, सबसे पहले इसी में निकलना शुरू हुआ है मेरा फूल। और फूल खिलते ही बहुत खुशी हो जाती है मुझे, क्योंकि ये जो हमारे बगीचे की रौनक बना देती है। क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे फूल निकलते तो एकदम बहुत दूर से ही बहुत सुंदर लगता है। यहीं पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें कोई अभी इसमें कोई फूल नहीं बने हैं, ये देखिए। परंतु अभी भी ये जो है पूरी अच्छे तरीके से चल रहा है, और इसके पत्ते भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए कैसे गोल 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 पत्ते हैं इसके, ये देखिए। ये देखिए फूल तो बाद में निकलेंगे, पत्तों से ही बहुत अच्छा शो रहती है इसकी बगीचे में। और ये देखिए खूब अच्छा सा, ये भी खूब अच्छा हो रखा। और मैंने इसके लिए ऊपर तक जाने के लिए इसके लिए मैंने ये डोरी लगा रखी है, ताकि ये ऊपर की ओर को अच्छे से बढ़ जाए। यहाँ पे भी मेरा ये है, और जगह जगह मेरे ये निकले हुए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं, और भी मैंने कई जगह मेरे ये लगे हुए हैं। तो जहाँ पर भी फूल गिरता है, बीज गिरता है सॉरी, तो वहीं पर ही हमारा पौधा तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है रेलिंग पे, ये देखिए। और इसमें भी मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये अभी अभी मैंने देखा। और इसमें देखिए, ये देखिए इसमें भी ये कली बन चुकी है, और मेरे को लगता है कि इसमें ऑरेंज कलर का फूल निकलेगा, ये देखिए। और कलियां मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें देखिए कितनी सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं, ये देखिए। तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा जब ये देखिए कलियाँ, देखिए कितनी सारी इसमें, तो मेरे बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, ये देखिए। ये देखिए अंदर की तरफ को भी बहुत सारी इसमें कलियाँ बन गई हैं। तो जब इसमें सारे में इसमें पूरे में फूल आ जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है, दूर से दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए पत्ते तो मैंने आपको बता ही दिए कि इसके गोल 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 पत्ते बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये मेरे यहाँ पे रेलिंग पे मैंने ये रखा हुआ है, और वेस्ट पे ही लगा रखा है। देखिए ये जो होता है, ये हमारे तेल के डब्बे होते हैं जो, उसमें ही मैंने काट के इसमें लसे लगा रखा है। तो ये बहुत सुंदर होता है, और हमें फ्री का ही हमें ये पौधा मिल जाता है, और हमारे फ्री में ही हमारे पौधे की रौनक बना के रखता है, हमारे गार्डन की रौनक को बना के रखता है। तो यही मैं आपको दिखाती हूँ, और ऐसे ही मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे मूली लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे भी मेरा ये एक बीज यहाँ पे भी गिरा होगा मिट्टी में, तो देखिए ये पौधा मेरा यहाँ पर भी तैयार हो रहा है। तो मैं इसको हटाती नहीं हूँ, क्योंकि सब जगह अगर मेरे फूल खिलेंगे तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा, और बहुत सुंदर मेरा गार्डन दिखेगा। यहीं पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे नेस्टेशन के मेरे, ये देखिए पौधे कितने अच्छे मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे भी मेरे जो यहाँ पर जो पत्ते पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं जब खाद बनाती हूँ इनकी, इसमें ही मेरे देखिए, ये देखिए। तो जब ये बढ़ जाएंगे तो इतने अच्छा इसमें भी बहुत सुंदर लगेगा, जब ये पूरे में फैल जाएंगे तो यहाँ पे फूल से बहुत सुंदर ये नजर आएगा। तो इसका हमारा ये फ्री का ही है, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये फ्री का ही है। बीज हमारे गिर जाते हैं हर साल, अब इस बार भी गिर जाएंगे, तो अगले साल की जो सर्दियाँ होंगी, सर्दियों के टाइम पे हमारे फिर से ये पौधे निकलेंगे, और हमको फ्री के ही हमको पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी फ्री के ही हमारे पौधे मिले हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी इस बेल के साथ, यहाँ पर अपराजिता की हमारी बेल चल रही है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसी के साथ ही ये फैल जाएगी, तो इसमें भी बहुत सुंदर हमारा ये बाहर से लगेगा, क्योंकि इस टाइम पर अपराजिता में फूल नहीं आ रहे, तो ये इसके फूल जब खिलेंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये लगेगा। ये मेरे बालकनी से बाहर की साइड है, ये देखिए,
यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो मैं इनको हटाती नहीं हूँ क्योंकि इसमें फूल बहुत अच्छे लग आएंगे, जो आएंगे तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और जब फूल आएंगे तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखिए हमारे कितने सुंदर मेरे नेक्स्टेशन के फूल खिले हुए हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अपराजिता की है, ये बेल जो ये देखिए पीली हो रही है, इसमें मेरे व्हाइट कलर के फूल, अपराजिता के व्हाइट कलर के फूल आते हैं, यहाँ पर मेरे पर्पल कलर के फूल आते हैं इसमें, ये देखिए। तो ये मैंने आपको सारा का सारा मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये मुरझाने लग गए हैं यहाँ पे, देखिए। तो बस मैंने एक छोटी सी इसी की आपको इसी के बारे में बताया कि नेक्स्टेशन के मेरे फूल खिलने वाले हैं और मेरे पौधे फ्री के लगे हुए हैं। तो बस मैं यही आपको बताने वाली थी क्योंकि रात हो चुकी है और मैं और कोई भी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ठंड होने की वजह से ना हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, तो हाथ पांव बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। तो नए साल में ज़्यादा ठंड हो रही है इस बारी, तो इस बारी नहीं हर बारी ही जनवरी में ज़्यादा ठंड होने लग जाती है। तो अब मैं बस अपनी वीडियो करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें मेरी वीडियो को। तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा अपना गार्डन, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यही है मेरी आज की वीडियो।